लैक्टिक तीन वेज है. फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है किस में होता है? इन मसल सेल. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एग्जाम्पल इन मसल सेल. मसल सेल के अंदर जो है हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है पाइरूविक एसिड से, दैट कॉजेस इरिटेशन टू द नर्व्स कॉजिंग मसल क्रैम्प्स, है ना. सेकेंड इज आवर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सेकेंड है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट. ठीक है, यीस्ट के अंदर वी हैव एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ऑब्वियसली इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जिसको एज अ बेवरेज भी यूज किया जाता है और मेडिसिनल पर्पस या अलग अलग चीजों में एडिटिव्स की तरह यूज किया जाता है. अल्कोहल को सैनिटाइजर एक्सेट्रा तो हम यीस्ट से बनवा सकते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू. ठीक है. ऑल्सो थर्ड इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन रितिका? एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो तीन तरीके हैं, तो एक एक करके इसकी तरफ देखें. इसी का आंसर कंटिन्यू करते हुए हम ये प्रोसेसेस दिखाते हैं. तो इफ वी हैव फर्मेंटेशंस को अगर हम ध्यान दें, तो अगर हमारे पास पाइरूविक एसिड आ गया, तो पाइरूविक एसिड को हम या तो लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, और इस प्रोसेस में अगेन ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन में हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कर सकते हैं. तो अगर हम NAD+ दें तो बन जाएगा NADH+H+. NAD+H लेके निकल जाएगा तो पाइरूविक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा. किसी से हाइड्रोजन ले लो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो अगर मैं पाइरूविक एसिड लैक्टिक एसिड बन रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. सिमिलरली पाइरूविक एसिड क्या बन सकता है? इथेनॉल. इस प्रोसेस में भी ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2. तो इस प्रोसेस में भी हम अगर बात करें तो NAD+H NAD+H+ ले जाएगा और बनेगा क्या? NADH+. ये भी ऑक्सीडेशन है. पर इसमें ना एक चीज याद रखना, ये स्टेप दो दो एरोज बनाना है इसके अंदर. ये दो एरोज का मतलब है इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो हमें नहीं बनाया गया. हम उसको बस ऐसे दिखा रहे हैं कि बीच में कुछ दो चार स्टेप्स के बाद ऐसा हो रहा है. ठीक है. अच्छा, इन दोनों के एंजाइम्स याद रखने हैं. डबल एरोज माने कि इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, तो हम इंटरमीडिएट्स को बनाया नहीं गया एनसीईआरटी ने, तो उसने ये लिखा है कि दो एरोज बनाए. तो ये इस प्रोसेस को करने वाला एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो हमें याद रखना है. ठीक है. ठीक है. तो ये सिर्फ मसल में नहीं होता, इन सम बैक्टीरियाज भी होता है. तो मसल सेल में तो अलग चीज है, पर ये बैक्टीरियाज में भी होता है, वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं. तो ये ऐड कर लेंगे. अच्छा, देन एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इसका एंजाइम है. एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. देखो इनके नाम भी याद है, आसान करने आसान, याद करने आसान है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डी माने रिमूवल हाइड्रोजन का. डी हाइड्रोजनेज मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे हमने ऑर्गेनिक में भी किया, हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी डिहाइड्रोजनेज. ठीक है.
तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज दो एंजाइम है. एक और एंजाइम मेंशनड है, वो भी हम लिखेंगे, दैट इज पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. तो पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, वो क्या करेगा उसके नाम में भी पता है, तुम नाम से देख के बताओगे क्या बनाएगा. डीकार्बोक्सिलेशन किया ऑर्गेनिक में, किया तो है, सोडा लाइम रिएक्शन कल ही की थी, नींबू पानी वाली. पाइरुविक डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है. तो अगर हम बात करें, डी माने रिमूवल, कार्बोक्सिलेज माने रिमूवल ऑफ COOH. तो एक एंजाइम पाइरुविक डीकार्बोक्सिलेज यूज आता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन सा यूज आने वाला है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन इथेनॉल. तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, और तुम्हें भी याद रखने हैं क्योंकि मैं सुनूंगा. क्या करेगा, जैसे सपोज ये कार्बन 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 COOH, क्योंकि ये पाइरुविक एसिड है तो इसमें COOH ग्रुप तो होगा ही, तो COOH ग्रुप को हटा देता है, रिमूव कर देता है, तो रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्मेंटेशन. इसके साथ तुम्हें थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तो हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख दिए, तो इसमें हम बोलेंगे देयर आर थ्री वेज ऑफ प्रोसेसिंग पाइरुविक एसिड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. फिर हम बोल देंगे तीन वेज है, इनमें से दो वेज जो है उन्हें फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसमें ये होता है उसमें ये होता है, अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है. क्लियर है पॉइंट, मेन पॉइंटर्स लिखो जल्दी, बना लिया सब कुछ, एंजाइम्स ही बना लिया, ठीक है. ये भी लिख दो, राइट शॉर्ट नोट ऑन, लिख लिया फर्मेंटेशन क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म, सबने लिखा है ना ये सब. नेक्स्ट